भारी मशक्कत के बाद कांग्रेस का 13 साल पुराना वनवास खत्म हो गया। जहां बीजेपी समर्थित सदस्य की संख्या 13 से 14 बताई जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्यों की संख्या 10 से 11 के बीच में मानी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष निशंक जैन एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रहलाद रघुवंशी के गठजोड़ के चलते 25 जनपद सदस्य वाले जनपद गंज बासुदा के चुनाव में भाजपा को 12 वोट मिले और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को 13 वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस ने एक वोट के साथ सफलता प्राप्त की। नगर में जनपद अध्यक्ष का चुनाव बड़ा रोचक नजर आया। भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा करते हुए गंज बासुदा जनपद में अपना अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के मजबूत गठजोड़ के चलते सफलता हाथ नहीं लगी। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी 25 में से 13 वोट पाकर जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीत गई। वहीं अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने से भाजपा को मायूसी हाथ लगी। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगी, फिर सारे जनपदों को जिनने सहयोग किया है, जिस क्षेत्र से जीत कराई हूँ उनको, सारे कार्यकर्ता जिन्होंने मदद की है, और मेरे जेठ पूर्व जनपद अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा उनका मेहनत रही है, उनके लिए धन्यवाद, और सब लोगों ने जिनने सहयोग किया और जिला कांग्रेस अध्यक्ष। अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जनपद क्षेत्र के लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने और पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई प्रहलाद सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस जीतेगी और 3 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गंज बासुदा जनपद पंचायत पर बैठेंगे। वह आज से साबित हुआ। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का कुशल नेतृत्व, हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह हमें उपलब्धि मिली है। जनता का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद और कांग्रेस जन आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी और जो भाजपा के राज में ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है हम उसको खत्म करेंगे और एक नई अच्छी शुरुआत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।